यानी कष्ट सबको है। एक गीत हमारे मामा जी गाया करते थे और वो कहते थे कि आज के संसार में, बोले कि आज के संसार में वो कोई न सुखी है, क्यों किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कोई दुखी है, जरा गौर करें, कोई दुखी सम्मान से कोई अपमान से, बोले कोई दुखी सम्मान से कोई अपमान से, कोई दुखी संतान को कोई संतान से, लेता है कितना भी बड़ा कष्ट हो, कितना भी बड़ा दुख हो, आदमी उसे झेल लेता है। लेकिन सबसे बड़ा दुख वो होता है जिसके शरीर में कोई बीमारी, कोई परेशानी, उससे बड़ा दुनिया में दुखी कोई नहीं है। फिर उन्होंने आज के जमाने को देख के बात कही और बोले, घर घर में आज खल की महंगाई मार गई, घर के उंगले उधार लो बिछाई मार, से हर कोई दुखी है। तो ये दशरथ दुखी क्यों हुए? बोले दशरथ दुखी इसलिए हुए क्योंकि दशरथ के घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। दशरथ के घर में एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम पड़ा था शांता। वो ये शांता जो थी ये श्रृंगी ऋषि को ब्याई गई थी, वो उस लड़की के होने के बाद दशरथ के घर में पुत्र नहीं हुआ। और दशरथ के घर में कब तक लड़का नहीं हुआ? बोले जब राम का जन्म हुआ था तो दशरथ की उम्र कितनी थी? देखो एक विद्वान ये बता रहा है कि जब राम पैदा हुए थे तब दशरथ की उम्र थी 60,000 साल। तुलसीदास के दशरथ मन माई और भई है गिलान मेरे सुतनाई, इन्हें कब दुख हुआ? बोले दशरथ को उस दिन दुख हुआ जब ये दशरथ शिकार खेलने के लिए एक दिन वन में गए तो एक हिरण को मारने की इच्छा जगी महाराज के। अब उस हिरण का वध करने के लिए पीछे पड़े गए। अब वो हिरण भागने लगा, आगे भाग रहा है, दशरथ पीछे दौड़ रहे, लेकिन हिरण बनने में नहीं आ रहा है। और जब हिरण से भागा नहीं गया, हिरण थक गया तो खड़े होकर के दशरथ से बोला, रुको अवध नरेश, बिना मतलब में खुद परेशान हो रहे हो,
और बिना मतलब में हमें भगा रहे हो, आप हमें मार ही नहीं पाओगे। बोले क्यों? जवाब दिया, आप हमें इसलिए नहीं मार पाओगे क्योंकि हमें वरदान मिला है। क्या वरदान मिला है? तब ईमान कहता है महाराज सुनो कि जिन राजा के वो सुतना होई वो दिन से मेरो हमें ये वरदान प्राप्त, जिन लोगों के घरों में कोई पुत्र नहीं है उनके हाथ से मेरा वध नहीं है। तो उस दिन दशरथ को तो कहूंगा कि एक बार दशरथ मन माही और भई है गिलाने मेरे सुतनाई। खूब रोए दशरथ, दरबार में जाकर के बैठ तो गए लेकर रोने लगे, चेहरा बड़ा उदास है महाराज का। जहां दशरथ रो रहे तो बस